Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's breaking down. Yeah, she hates me now. She hates me now. I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off, best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. में भाई लोग क्या हाल चाल है, होपफुली सब बढ़िया होगा। आप देखो फिलहाल इधर मेरा इस 7 स्टार लग चुका है। बाकी यार आप लोग का रैंक एंड टीयर अभी क्या चल रहा है एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो। बाकी यार देखो अभी इधर C1S3 का सेकंड मंथ स्टार्ट हो चुका है, मतलब अभी धीरे धीरे प्लस जो है ना वो मिलना कम हो जाएगा। नॉर्मली जैसे फर्स्ट मंथ में मिलता है उससे यार कम मिलने लगेगा, क्योंकि ऐसे ही रहता है जैसे यार सीजन स्टार्ट होता है। सीजन के स्टार्टिंग के 3 या 4 वीक्स आपको अच्छा खासा प्लस मिल सकता है, लेकिन जैसे यार इधर सेकंड हाफ स्टार्ट होता है सीजन का वैसे वैसे आपको धीरे धीरे प्लस जो है ना वो मिलना कम हो जाता है। सो आज आप लोग को मैं बताऊंगा कि कौन सा टाइम आपके लिए बेस्ट रहेगा इधर सेकंड मंथ में जब आपको प्लस मिलेगा, क्योंकि इस फर्स्ट मंथ में तो यार आप कभी भी खेलोगे ना आपको प्लस मिल जाएगा, लेकिन सेकंड मंथ में ऐसा नहीं रहता, क्योंकि सेकंड मंथ में ना धीरे धीरे रैंक पुश करने वाले बंदे कम हो जाते, इसी वजह से यार नूब लॉबीज आना स्टार्ट हो जाते हैं एंड वैसे वैसे यार आप लोग को प्लस भी कम मिलने लगता है। सो आज की वाली वीडियो पूरी देखना, मैं आप लोग को बताऊंगा कि आपको कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा आप लोग के लिए, कि वो टाइम पे आप खेलोगे एंड आपको अच्छा खासा प्लस मिलेगा। सो वीडियो एंड तक देखना, आपको हर एक चीज का आंसर मिल जाएगा। बाकी यार देखो आज की वाली गेम प्ले की बात करें ना तो इसमें आपको सिर्फ दो चीज देख के बहुत मजा आने वाला है। पहली चीज तो मेरी स्प्रेस एंड दूसरी चीज यार मेरे ग्रेनेड्स। लिटरली यार इसमें 1 से 2 ग्रेनेड्स इस तरह से मैंने किए हैं ना कि वहां पे कोई चांस ही नहीं बनता था कि सामने वाला बंदा मरेगा। एंड एक से दो बंदे तो यार पक्का ही कमेंट सेक्शन में आके ESP यूजर बोलने वाले। सो गाइस गेम प्ले पूरा देखना क्योंकि आपको हर एक चीज में मजा आने वाला है। फिलहाल के लिए इधर अगला जोन बन चुका था, अब इधर मेरे को जोन के अंदर जाना था। जोन जो था ना वो थोड़ा सा एक साइड शिफ्ट हो चुका था और यहाँ पे मेरे राइट साइड वाले कंपाउंड पे भी एक बंदा बैठा हुआ था, लेकिन मैं उसकी बग्गी के यहाँ पे टायर फोड़ देता हूँ ताकि अगर बंदे को जोन के अंदर आना हो तो पैदल ही आए। अब यहाँ पे जोन के अंदर ना मेरे को अच्छी पोजिशन चाहिए थी एंड जैसे यहाँ पे आता हूँ ना मेरे को ये वाला पत्थर सही लगता है होल्ड करने के लिए फिलहाल के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना एक अच्छा खासा हाइट का एडवांटेज है एंड एक साइड से तो पत्थर का कवर था है। इसके ऊपर चढ़ के भी यार यहाँ पे मैं किसी बंदे को मार सकता हूँ। अब थोड़ी देर यहाँ पे मैं होल्ड करता हूँ एंड यहाँ पे यार सामने की साइड से मेरे को एक डासिया का साउंड आता है। अब गाइस डासिया वाला बंदा जो था ना वो सामने वाले रिच पे आके रुक चुका था। अब यहाँ पे मैं उस पर स्प्रे लेने का ट्राई करता हूँ लेकिन बंदा तब तक पीछे की साइड जा चुका था। और गाइस अभी अगर ये वाला ग्रेनेड पसंद आया ना तो मेक श्योर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब तो मार ही देना। अब यहाँ पे मैं बंदे के ऊपर सीधा तो पूछ नहीं मार सकता था, इसलिए यार यहाँ पे मैं एक रैंडमली नेट फेंकता हूँ उसी साइड एंड बंदा यार लिटरली वहीं पे बैठा हुआ था, तो यार आराम से बंदे को निपटा देते। बाकी अभी तक देखो सीन क्या था, सून स्टार्ट हो चुका था एंड अभी पहले तो मैं सोच रहा था कि बंदे की क्रेट लूटने जाऊंगा, लेकिन उसके बाद मेरे को लगा कि यार जोन स्टार्ट हो चुका है और ऊपर से यार इधर मैं जोन के एज होल्ड कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैं ओपनली वो बंदे को लूटने जाऊंगा एंड जोन के बाहर से किसी बंदे ने आके पील दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए यार यहाँ पे मैं पूरा एक जोन होल्ड करता हूँ एंड जैसे जोन इधर पूरी तरीके से क्लोजिंग हो जाता है ना उसके बाद यार यहाँ पे मेरे को लगा कि नहीं अब यहाँ पे सही टाइम है वो बंदे को लूटने जाने के लिए, क्योंकि अभी आसपास कोई बंदा था नहीं तो आराम से वो बंदे को जाके मैं लूट सकता हूँ। और भाई अगर ये बंदे की क्रेट देखोगे ना लिटरली यार कितनी दूर से मैं ये बंदे के ऊपर ग्रेनेड मारा था, बंदे को तो यहाँ पे मैं निपटा दिया था। बाकी भी इधर इसके बाद वाला जोन जो था ना वो इधर लेफ्ट साइड शिफ्ट हो चुका था, तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर होल्ड करता हूँ एंड उसके बाद जैसे यहाँ पे जोन स्टार्ट होगा ना तो मैं जोन के साथ ही यहाँ से निकल लूंगा। अभी के लिए इधर जोन स्टार्ट होने में ज्यादा टाइम बचा था नहीं, इसलिए मैं जोन के बाहर के साइड देख रहा था कि अगर कोई बंदा इधर मेरे को ओपनली दिख जाए तो उसको फेल दूंगा। और भाई यहाँ पे ऐसा ही होता है, मेरे को एक बंदा किसी बंदे पे स्प्रे लेते हुए दिखता है तो उसको तो आराम से पेट देते, लेकिन जिस बंदे के ऊपर वो स्प्रे ले रहा था ना उसको भी यार एक हेड मार चुका था। सो अभी इधर मेरे को लगा कि बंदा यार यहाँ पे आसपास से कहीं पे रुका होगा, इसलिए यार ये बंदे को ढूंढने आ जाता हूं, लेकिन आसपास यहाँ पे तो कहीं भी मेरे को बंदा नहीं दिखा था। बाकी इधर जोन क्लोजिंग होना स्टार्ट हो चुका था और अभी के लिए यार इधर मेरे को जोन के अंदर एक अच्छी पोजिशन भी चाहिए थी होल्ड करने के लिए, इसलिए सबसे पहले तो यार मैं चारों तरफ यहाँ पे अपनी
अपनी बग्गी घुमा के देख लेता हूँ क्योंकि आसपास में बंदा ना हो, उसके बाद ही यार यहाँ पे आके होल्ड करता हूँ। लेकिन जैसे यहाँ पे आके होल्ड करता हूँ ना, लेफ्ट साइड में भी एक गाड़ी आ चुकी थी। बाकी इसके बाद वाला जोन जो था ना वो भी यार थोड़ा सा आगे साइड शिफ्ट हो चुका था। अब मेरे को पता था कि यार अब यहाँ पे मेरे पास कुछ लूट के नाम पे था नहीं, शील्ड्स भी जितनी थी ना वो इतनी मैं मंगा लिया था, एक शील्ड के साथ यहाँ पे मैं सर्वाइव नहीं कर सकता था। सो अभी इधर मैं सोचा कि यार चलो लेफ्ट साइड वाले बंदे के ऊपर इधर पुश कर देता हूँ मैं। अब गाइस नॉर्मली मैं किसी बंदे के ऊपर सीधा ही ऐसे लास्ट जोन में रश नहीं करता, लेकिन अब यहाँ पे मेरे को पता था कि एक शील्ड के साथ लास्ट जोन तो मैं सर्वाइव नहीं करने वाला था, इसलिए मेरे को किसी ना किसी बंदे के ऊपर पुश करके उसको मारना ही था। ये बंदे के ऊपर पुश करके आराम से इसको किल कर देता हूँ क्योंकि ये बंदे का ध्यान किसी और भी बंदे पे था। सो ये बंदे को भी पेलता हूँ एंड वो वाले बंदे को भी पेल देता हूँ। बाकी इधर जोन के अंदर भी मेरे को निकलना था। अब गाइस यहाँ पे मैं चाहता तो लेफ्ट साइड में होल्ड कर सकता था जहाँ पे मैंने वो वाले बंदे को पेला, लेकिन यहाँ पे सीन क्या था कि जो नीचे वाला बंदा था ना वो यार फिर मेरे को दिक्कत दे सकता था, वो कभी भी मेरे पे पुश करके मेरे को मार सकता था, इसलिए मैं ये वाली जगह चूज करता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या सीन था कि मेरे को एक बंदे की तो एग्जैक्ट लोकेशन पता थी, लेकिन दूसरे बंदे का आइडिया नहीं था कि दूसरा बंदा कहाँ पे है। अब मेरे को पता था कि राइट साइड में कहीं पे होगा, लेकिन मेरे को लगा कि यार शायद से ये बंदे ने वो बंदे को शायद से पेल दिया होगा, तो इसी वजह से यार यहाँ पे मैं थोड़ा सा टेंशन फ्री होकर खेल रहा था। एंड लेफ्ट साइड में भी अभी जस्ट शील्ड बनी थी, तो मेरे को लगा कि यार यहाँ पे मेरे को दोनों बंदों की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई है क्योंकि एक बंदा इधर लेफ्ट साइड में एंड दूसरा बंदा राइट साइड में होगा, लेकिन यहाँ पे मेरे को नहीं पता था कि ये दोनों बंदे एक ही है। एंड अभी ये चीज कंफर्म भी हो जाती है बिकॉज अभी इधर यार पीछे साइड से मेरे ऊपर नीड आता है। सो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा सैंडविच सिचुएशन में फंस जाता हूँ, लेकिन अब यहाँ पे अपन किस तरह से सर्वाइव करते हैं। ऊपर की साइड जो बंदा था ना वो यार इधर पीछे वाले बंदे को निपटा देता है। सो अभी इधर बस 1v1 की फाइट बची थी, लेकिन ये बंदा इधर जोन के बाहर था। सो अभी इधर मैं सोचा कि ये बंदे को जोन के अंदर आने देता हूँ। और यार लास्ट वाले बंदे को भी आराम से नेट से भर देते, बाकी यार ये वाली गेम में अपने को 40 का प्लस मिल जाता है। बाकी यार दूसरी गेम में आगे बढ़ने से पहले यार अपन बात कर लेते हैं कि कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा रैंक पुश करने के लिए, बिकॉज आप लोग भी मेरे को जानते हो मैं कितने सीजन से सोलो पुश कर रहा हूँ एंड मेरे को इतना तो एक्सपीरियंस हो ही गया है कि यार कौन से टाइम पे ज़्यादा प्लस मिलता है, कौन से टाइम पे आपको बिल्कुल भी प्लस नहीं मिलता, कौन से टाइम पे नूब लॉबीज आती है, ये सारी चीज़ों का अभी एक टाइम रहता है सेकंड मंथ में। क्योंकि फर्स्ट मंथ में तो यार सब लोग हर एक टाइम पे रैंक पुश करते, अगर आपको आप रात के 3 बजे भी खेलोगे ना तो भी यार आपको कॉन्करर लॉबी मिलेगी क्योंकि वो टाइम पे सबको कॉन्करर करना रहता है। लेकिन जैसे यार इधर सेकंड मंथ स्टार्ट होता है ना तो काफी बंदे क्या करते हैं कि रैंक पुश फिर छोड़ देते हैं और फिर यार गोल्ड एंड प्लैटिनम की लॉबी भी इधर कॉन्करर लॉबी के साथ मिक्स हो जाती है, इसी वजह से यार आप लोग को नूब लॉबीज मिलना चालू हो जाती है। और भाई यही मेन रीजन रहता है कि जैसे जैसे सेकंड मंथ स्टार्ट होता जाता है ना धीरे धीरे आपको प्लस मिलना कम हो जाता है एंड सीजन एंड में तो यार आपको बिल्कुल भी प्लस नहीं मिलता। सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा टाइम बेस्ट रहता है रैंक पुश करने के लिए। सो मैं आपको बोलूंगा कि मॉर्निंग में यार 10 बजे से पहले तो बिल्कुल भी मत खेलो क्योंकि वो टाइम पे ना फिर प्लैटिनम एंड गोल्ड की लॉबी आपको लगेगी एंड वो लॉबी में आपको प्लस भी नहीं मिलेगा, आपको किल्स तो मिल जाएंगे लेकिन आपको प्लस नहीं मिलेगा। एंड अगर आपको प्लस निकालना है तो फिर वो गेम में आपको चिकन निकालना होगा और वो चिकन भी आपको हाई किल्स के साथ निकालना होगा। अगर नॉर्मल किल्स के साथ अगर आपने चिकन निकाला तो उसमें भी यार आपको इतना कुछ खास प्लस नहीं मिलेगा, लेकिन भाई अगर आप 10 बजे के बाद खेलोगे ना तो वहाँ पे आपको प्रॉपर एक ईस्ट की लॉबी मिलेगी वहाँ पे एंड आपको अच्छा खासा उसमें प्लस भी मिलेगा। अगर आपके मिनिमम किल्स भी रहेगा ना तो भी आपको मिनिमम अच्छा खासा प्लस तो मिल ही जाएगा। बाकी यार अगर आप लोग को मैं बोलूँ कि कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा रैंक पुश करने के लिए तो दोपहर के 1 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में अगर आप खेलोगे ना रैंक पुश करोगे ना तो वो टाइम पे ना सबसे ज्यादा रैंक पुशर्स रैंक पुश करते होते एंड उसमें आपको एक प्रॉपर लॉबी मिलती है। लास्ट जोन में भी आपको 40-40 बंदे अलाइव मिल जाएंगे एंड अगर वो वाली लॉबी में अगर आपने चिकन निकाल लिया ना तो फिर तो यार आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे क्योंकि वही एक प्रॉपर कॉन्करर लॉबी में ना आपको प्लस मिलेगा। अगर आप नॉर्मली यार ऐसे प्लैटिनम या गोल्ड वाली लॉबी खेलोगे ना उसमें भले ही आप कितने भी किल्स निकाल लो लेकिन उसमें आपको प्लस नहीं मिलेगा। सो होपफुली आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एंड अभी बात कर लेते हैं कि आपको रात को कितने बजे तक खेलना चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगा कि मैक्सिमम आप 9 बजे तक खेलो। अब मैं 9 बजे के बाद खेलने के लिए क्यों मना कर रहा हूँ, इसके पीछे के 2 रीजन है। सबसे पहला रीजन ये है कि 9 बजे के बाद आपको पहली बात तो नूब लॉबीज मिलना स्टार्ट हो जाएगी और दूसरी बात अभी अगर आप रात को 8 या 9 बजे के बाद खेलते हो तो आपको पता ही होगा कि 8-9 बजे के बाद सर्वर इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसमें होता क्या है कि अभी अगर आपका कितना भी अच्छा नेट चल रहा हो ना
वहां पे आपके साथ सीन ऐसा होता है कि आपका डीसिंग होना स्टार्ट हो जाता है। भले फिर वो टाइम पे आपका कितना भी पिंग आ रहा हो, 20 का आ रहा हो या फिर 30 का या फिर 40 का कितना भी पिंग आ रहा हो, वो टाइम पे आपका डीसिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं तो आपको यही प्रेफर करूंगा कि 9 बजे के बाद ना ही खेलो तो बेटर रहेगा। मैं भी यार 9 बजे के बाद वैसे भी नहीं खेलता। बाकी बात कर लेते आज के अपने दूसरे गेम की, तो अभी के लिए देखो अपने टोटल 8 किल्स हो चुके थे। अब सामने साइड एक बंदा था जिसको यार ऑलरेडी मैं नीड से अच्छा खासा डैमेज कर दिया था। उसके बाद बंदा जो था ना वो इधर पैनिक रूम में चला जाता है, तो मैं वहां पे भी यार एकदम ही लंबा वाला नीड फेंक देता हूँ एंड बंदे का गेम वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। बाकी लेफ्ट साइड में एक ओम वाला बंदा था जिसको कि यार इधर मैं पीक नहीं दे सकता था क्योंकि एक हेड लगेगा एंड मेरा गेम यहीं के ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पे मैं पूरी एक स्मोक होल बनाता हूँ एंड आराम से ये वाले बंदे को अभी यहाँ पे लूटेंगे एंड उसके बाद यहाँ से जोन की तरफ निकल लेंगे क्योंकि अपने 9 किल्स हो चुके थे अच्छे खासे, अभी भी जोन के अंदर बंदे बचे थे तो ये वाले बंदे के साथ पंगा लेने का कुछ मतलब था नहीं। बाकी इधर 4th जोन बन चुका था। अब जोन के सेंटर में एक वॉच टावर रहता है, मैं सोच रहा था कि यार ये वाले वॉच टावर पे सीधा ही जाके पुश मारूंगा, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी एक बंदा रहता है। सो इधर सीन ऐसा होता है कि राइट साइड में जो शैक था ना वहाँ पे एक बंदा था जो कि यार इधर मेरे पे स्प्रे ले रहा था बाहर आके, लेकिन वॉच टावर वाला बंदा उसको निपटा देता है। भाई यार अभी के लिए अपने को जोन के सेंटर में एक फ्री ऑफ कॉस्ट जगह मिल गई थी होल्ड करने के लिए। सो अभी के लिए यार आराम से यहाँ पे होल्ड करेंगे। अभी के लिए यहाँ पे पूरा एक जोन होल्ड करने के बाद इसके बाद वाला जोन जो था ना वो भी यार यहाँ पे शिफ्ट हो चुका था, लेकिन इस बार अपन जोन के एच पे थे तो यहाँ पे अपने को जोन के अंदर जाने की दिक्कत थी नहीं। लेकिन उतने में यार पीछे की साइड से एक यूएस वाला बंदा आता है एंड इसको भी यार आराम से भर देते। एंड गाइस जैसे यहाँ पे जून स्टार्ट होते हैं ना तो जून के बाहर से इधर बंदे आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब एक बग्गी वाले बंदे को तो यहाँ पे मैं भर दिया था। उसके बाद यहाँ पे एक दो बंदों का टीम अप भी आता है, लेकिन यहाँ पे शील्ड की वजह से पीछे वाला बंदा बच जाता है। अगर यहाँ पे शील्ड नहीं लगा होता ना तो शायद से वो बंदे को भी मैं आराम से भर दिया होता। बाकी इसके बाद वाला जोन जो था ना वो यहाँ से शिफ्ट हो चुका था। थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड करेंगे अपन एंड उसके बाद यहाँ से जोन की तरफ निकल लेंगे। अब गाइस जैसे वहां से जोन की तरफ निकलता हूं ना तो टावर वाला बंदा यहां पे मेरी बग्गी के टायर फोड़ देता है एंड यहां पे मेरे को ओपन में रुकना पड़ता है। लेकिन जैसे तैसे यार यहां पे मैं मैनेज करके अपने लिए एक अच्छा खासा कवर तो बना लेता हूं, लेकिन उतने में यार राइट साइड में एक और बग्गी वाला बंदा आ जाता है। और गाइस यहां पे मैं बंदे को डैमेज देने का भी ट्राई करता हूं, लेकिन वहां पे हल्की सी रिज रहती है एंड इसके बाद वाला जोन जो था ना वो भी यार इधर मेरे पे बन जाता है। लेकिन मेरे को यहां पे लगा कि यार बंदा जो है ना वो मेरे पे इधर ग्रेनेड कर सकता है, इसलिए पहले मेरे को इस पे ग्रेनेड करना चाहिए। लेकिन यार यहाँ पे मेरे को नहीं पता था कि पीछे साइड एक एनाकोंडा लेटा हुआ है एंड यहाँ पे मेरे को डस लेता, लेकिन फिर भी यार ये वाली गेम में अपने को 30 का प्लस तो मिल ही जाते। बाकी यार बस इतना ही गेम प्ले। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे कहीं से भी नहीं कुछ चैनल को सब्सक्राइब तो मार ही देना एंड अगर वीडियो को ज्यादा पसंद है दोस्तों शेयर कर देना। बाकी यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस।